नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। मेरठ के लाल कुर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुलिस ने नशीले पदार्थों का खुलासा किया है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक सूचना पर एसपी सिटी ने एएसपी कैंट को साथ लेकर खुद एक फ्लैट पर छापेमारी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। मुरादाबाद के फकीरापुर के चौकी इंचार्ज की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां चौकी इंचार्ज ने जबरन एक महिला को अपनी कार में बैठा लिया और लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवती 6 दिन पूर्व अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना युवती के परिजनों ने चौकी में दी थी। यूपी गोंडा के मनकापुर से 4 साल की बच्ची का शव कुएं से बरामद होने पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है मासूम 2 दिन पहले अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस बच्ची के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बदायूं के नेकपुर मोहल्ले में एक हैवान पति की हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हसिए से पेट फाड़ कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पति ने अपनी पत्नी का पेट सिर्फ इसलिए हसिए से फाड़ डाला क्योंकि वह देखना चाहता था कि पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। फिलहाल पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया गया है और आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है। बदायूं के कोतवाली थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार 3 लोग ईंट भट्टे से टकरा गए। वहीं एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे, तभी ईंट के भट्टे से टकरा गए। वहीं हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोंडा के कटरा बाजार थारा इलाके में लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव के ही एक युवक ने एक युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा, और जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो दबंग ने घर वालों पर दबाव बनाकर उसकी दूसरी जगह शादी करवा दी। कोरोना के फर्जी सैंपलिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में एक डॉक्टर का नाम सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर ने अपने ही एक दर्जन से अधिक सैंपल करके जांच के लिए भिजवाए हैं। इसकी पुष्टि उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हुई है। वायरल वीडियो मथुरा के बलदेव स्थित स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। बांदा के नरेली थाना इलाके में विवाहिता की संदिग्ध मौत होने से हड़कंप मच गया। वही विवाहिता के पिता ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतका के पिता ने ससुरालियों पर दहेज की मांग को लेकर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीतापुर में हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की पहले हत्या की, इसके बाद शव को गन्ने के खेत में दफन कर दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला रेवसा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। औरैया के एरवा कटरा थाने में दरोगा ने भूमि विवाद को लेकर ऐसी कार्रवाई की जिससे पुलिस विभाग को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल दरोगा जी ने भूमि विवाद में खाकी का रौब दिखाते हुए विवाद करने वाले 2 पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की, लेकिन जब विधुना एसडीएम कोर्ट में जब दोनों पक्षों के नाम पुकारे गए तो पता चला कि एक पक्ष की महिला को मरे हुए 10 साल बीत गए, लेकिन दरोगा जी ने अपनी खाकी का पावर दिखाते हुए उसे जिंदा करते हुए एसडीएम कोर्ट में खड़ा कर दिया। बिजनौर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक निजी होटल में पति के साथ पकड़ी गई दूसरी महिला को पत्नी और उसकी 2 बहनों ने उसकी जमकर पिटाई की। वही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमरोहा के हाशमी नगर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पार्टी के बरेली लोकसभा से पूर्व सांसद प्रवीर सिंह एरन और कांग्रेस नेता नरेश सैनी ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। संभल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त करने में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुनादी कर 2 आरोपियों की 35 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर बहजोई थाना इलाके में
पशु तस्कर की प्रॉपर्टी और चंदौसी थाना इलाके बहजोई में एक अपराधी की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल हमारी यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।